हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे आज एक और नई वीडियो के अंदर। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले म्यूजिक मेकिंग एप्स के बारे में वीडियो बनाई थी कि जिसके अंदर टॉप 5 म्यूजिक बनाने वाले एप्स के बारे में बताया था। तो मैंने सोचा कि चलो इससे रिलेटेड आज एक और नई वीडियो बनाते हैं और मस्त मस्त ऐप आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूं मैं, और जिनसे कितना मतलब आसान होता है म्यूजिक बनाना। मतलब एकदम बहुत ज्यादा आसान तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि म्यूजिक बनाने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए, क्योंकि आपको बीट चूज करनी पड़ती है। और गाइस, कोई भी ऐप मैं आपको बता दूं उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप उस म्यूजिक ऐप में म्यूजिक नहीं बना सकते। और तो और गाइस, इनके अंदर आप वोकल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये सबसे खास बात है कि इन ऐप के अंदर आप बीट तो बना ही सकते हो, साथ के साथ अपने वोकल्स रिकॉर्ड करके आप एक प्रॉपर म्यूजिक भी बना सकते हो, एक सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो। बट उसके लिए मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और इसके अंदर मैं जितने भी ऐप बताऊंगा वो सारे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा आपको, कि और उसी के अंदर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कैसे यूज करना है। और अगर वीडियो आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंट्रो चलने देते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। सो गाइस, अब हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से बेस्ट ऐप्स हैं जो जिनसे आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। कुछ फ्री हैं और कुछ थोड़े पेड भी हो सकते हैं। अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो आपको पेड यूज़ करना चाहिए। और ये हमारा सबसे पहला जो है, यह है एंट्रैक 9, या प्ले स्टोर पर देख लेना। और ये इसका कुछ इस टाइप से इंप्रेशन आता है। फर्स्ट इसमें आता है स्टार्ट योर सॉन्ग। इसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट चूज़ करने को बोलता है, ये क्रिएट अ बीट। अगर आपको सबसे पहले बीट क्रिएट करनी है या ग्रूव ऐड करने हैं और अपने वोकल्स रिकॉर्ड करने हैं, इसके अंदर वोकल्स भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। और कीबोर्ड प्ले करना है, ड्रम और कंपोज MIDI, मतलब अगर आपको कंपोजिशन करनी है। तो गाइस, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये दे देता है। अगर हम नॉर्मल हम यहाँ पर बीट क्रिएट करें तो नॉर्मल यहाँ पर बीट क्रिएट कर देता है ये। और अगर हम इसके अंदर और इंस्ट्रूमेंट देखें तो कीबोर्ड, यहाँ पर आपको नॉर्मल कीबोर्ड मिल जाएगा। तो ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, यहाँ पर आपको अकाउंट बना लेना अपना, तो काफ़ी और फीचर्स ये आपको दे देगा फ्री में। और ये रहा कीबोर्ड, प्ले कर सकते हो। और ये ड्रम है, नॉर्मल इसमें इंस्ट्रूमेंट हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप ये ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको कैसे फाइल सेव करनी है। तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे क्लिक कर देना है। अगर आपने कोई फाइल ऐड की हुई है तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना, और ओपन भी कर सकते हो चाहो तो, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आप अपनी MIDI को। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन ये आपको दे रहा है। तो भाई, ये तो हमारा फर्स्ट म्यूजिक मेकर ऐप था। अब इसके बाद चलते हैं हमारे सेकंड म्यूजिक मेकर ऐप की तरफ। अब जो हमारा सेकंड है, ये है बैंड पास। मैंने आपको बैंड लैब भी बताया था, बट ये बैंड पास जो है ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसे हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको ये देख रहे हो सेटिंग अप कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट नेम दे देना है, और उसके बाद ओके कर देना है सिंपली। यहाँ पर आपको इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सिंपली यहाँ पर भी आप बीट्स ऐड कर सकते हो, और ये प्लस का ऑप्शन है। यहाँ पर आप वोकल्स भी ऐड कर सकते हो अपने, और इंस्ट्रूमेंट तो काफ़ी सारे हैं आपके पास, यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। और यहाँ पर नॉर्मली हम कोई प्ले करते हैं तो इस टाइप से आप बीट्स बना सकते हो। उसके बाद स्नेज भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, मतलब काफ़ी ऑप्शन आपके लिए दे देता है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे ही आप किसी पे क्लिक करते हो यहाँ पर ये आ जाता है। और ये सिंथेसाइजर्स है, काफ़ी सारे यहाँ पर ये आपको दे देता है यूज़ करने के लिए। उसके बाद गाइज, अगर हमें ये रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड का ऑप्शन भी यही है कि यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन प्रोवाइड करा देता है। यहाँ पर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। चाहो तो एक YouTube पे ट्यूटोरियल वीडियो भी देख लेना है इसके बारे में। तो गाइस, ये तो हमारा दो ऐप हो गए। अब जो हमारा तीसरा ऐप है वो है रिमिक्स लाइव।
गाइस ये जो ऐप है बेसिकली इसके अंदर आप बीट्स क्रिएट कर सकते हो, ये भी थोड़ा पेड है फुल फीचर पैक के अंदर, बाकी फ्री के अंदर भी आपके पास काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखो गाइस इसे यहाँ से चेक कर सकते हो आर ई सी पे क्लिक करके, ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, जैसे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी सेव हो जाएगी। इस टाइप से इसके अंदर आप बीट्स ऐड कर सकते हो और भी काफ़ी फीचर्स हैं इसके अंदर। ओके यहाँ पर गाइस ये इसका मेन्यू है, स्टोर पैक्स हैं, न्यूज़ हैं, सैम्पल पैक्स हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर है। और ये जो है ये आपका ड्रम बीट है, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट सेव कर सकते हो और मतलब और भी प्ले कर सकते हो जो यहाँ पर इनके पास हैं। ये इक्वलाइज़र है, वॉल्यूम इक्वलाइज़र, और ये जो है ये आपका नॉर्मल बीट पैड है। तो इस टाइप से ये कुछ ऐप है, इसे भी आप एक बार ट्राई कर लेना। और जो हमारा सबसे लास्ट है वो मैं गाइस हर म्यूज़िक मेकिंग वीडियो के अंदर बताता हूँ, वो है म्यूज़िक मेकर जैम। गाइस इससे बेस्ट कोई ऐप नहीं है मेरे हिसाब से फ्री के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई अच्छा म्यूज़िक मेकर ऐप चाहिए तो आपको पेड लेना पड़ेगा, और वो है एफ एल स्टूडियो, बहुत ही हाई लेवल का ऐप है वो। तो इस मेरे हिसाब से तो ये बेटर है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये स्टेप से है, ये इसका प्रोजेक्ट है। यहाँ पर गाइस नया ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिया वोकल्स का, यहाँ पर आप वोकल्स रिकॉर्ड कर सकते हो अपने, और ये तो नॉर्मल म्यूज़िक के हैं ही। तो अब हम नॉर्मली प्ले करके देख लेते हैं, ये पता नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शायद रिकॉर्ड कर पा रहा कि नहीं ऑडियो। ये वॉल्यूम इक्वलाइजर भी है, आप किसी बीट की आवाज़ कम कर सकते हो, किसी की बढ़ा सकते हो, चाहो तो इसकी बीपीएम भी सेट कर सकते हो आपकी कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है। ये देखो ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगी, कम करूँगा तो कम, और रिकॉर्ड यहाँ से होता है, ये रेड बटन जो है नीचे, ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, और इसी पर अगर क्लिक करोगे तो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी, और इसे चाहो तो आप सेव कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन था इसके अंदर भी, और वोकल्स तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इसके साथ ही आप इसमें सैंपल पैक भी डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जाओगे तो आप स्टोर पे, तो यहाँ पर ये सैंपल पैक्स भी हैं। इसके अंदर कुछ फ्री हैं और कुछ ये थोड़े कॉइन के साथ परचेज करने पड़ते हैं, कॉइन आपको मिल जाते हैं रिवॉर्ड के थ्रू। तो आप इसके अंदर अगर कोई भी चैलेंज कंप्लीट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और आप ये बीट्स परचेस कर सकते हो, और इसके साथ आप अच्छी बीट और म्यूज़िक बना सकते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, तभी जाके आप इतने अच्छे म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इतना आसान नहीं है। सो गाइस ये थी वीडियो आज की, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।